कि दिल्ली पहुंचने वाली हैं शेख हसीना। ये इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली पहुंचने वाली हैं शेख हसीना। थोड़ी ही देर में लैंड करेगा शेख हसीना का ये विमान। अभी लखनऊ के ऊपर से गुजर रहा है उनका ये विमान। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है कि लखनऊ तक लगातार ट्रैक किया जा रहा है उनकी जो विमान है उसकी लोकेशन को, और ये माना जा रहा है कि अब बस कुछ ही देर बाद दिल्ली लैंड कर सकता है उनका विमान। भारत की भी लगातार नजर बनी हुई है, भारत भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर क्या कुछ बांग्लादेश में जिस तरह के हालात जो हैं वो बने हुए हैं। लेकिन भारत में भारत अगर शरण दे रहा है शेख हसीना को, हालांकि इससे पहले भी पॉलिटिकल संरक्षण जो है वो भारत देता रहा है, फिर चाहे हम शेख हसीना की ही बात क्यों ना करें और उनके पिता की भी बात क्यों ना करें, उस पर मैं आऊंगी आगे। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये दरअसल उस वक्त की तस्वीरें हैं जब शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा, जब ढाका छोड़ा उन्होंने। ये उस वक्त की तस्वीरें, उनका चॉपर ये इस वक्त आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जब यहां से वो उड़ान भरती हैं। जिस तरह की स्थिति वहां पर हो गई थी, जिस तरह की स्थिति, और बताया जा रहा कि उनकी बहन जो हैं वो भी उनके साथ ही इस वक्त वहां पर उनके साथ हैं। और ये माना जा रहा था कि उससे पहले वो दरअसल देश के नाम या जो वो आवाम है उनके नाम एक संदेश वो देना चाह रही थी, एक भाषण वो देना चाह रही थी, जिस तरह से पिछले दो महीने के भीतर ये स्थिति पैदा हो गई। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरह से वो स्थिति और ज्यादा खराब होती चली गई। लेकिन ये देखिए कि वहां बांग्लादेश की सड़कों में पिछले दो महीने से किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही थी, और पिछले कुछ दिनों में अगर कहें तो हिंसा की ये जो आग है वो और ज्यादा धधकती नजर आई। और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये पीएम हाउस के भीतर की तस्वीर है, मतलब जैसे ही ढाका वो छोड़ती है वैसे ही जो वहां पर जो आम लोग थे वो पीएम हाउस के भीतर घुस जाते हैं। ये तस्वीरें श्रीलंका में आपको याद होगा कुछ इसी तरह से हुआ था, वहां पर लूट मच गई थी, ऐसी ही लूट यहां पीएम हाउस में भी मच जाती है जैसे ही शेख हसीना ढाका छोड़ती हैं। उनका ढाका छोड़ना था, वो चॉपर वहां से उड़ान भरता है, वो तस्वीरें सामने आती है। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें सामने आती है कि किस तरह से वहां पर एक लूट मच जाती है, किस तरह से एक सैर सपाटे का पूरा जो वो है सैरगा वो यहां पर लोगों ने बनाई हुई थी। तो ये और ये देखिए ये नौका विहार का आनंद यहां पर लिया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पीएम हाउस के भीतर की, बांग्लादेश में किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं जैसे ही शेख हसीना देश छोड़ती हैं। ये उससे पहले की तस्वीरें हैं जब आर्मी चीफ आकर संबोधित करते हैं, संबोधित वो करते हैं और कहते हैं कि अंतरिम सरकार वो बनाने जा रहे हैं। ये उससे ठीक पहले की तस्वीरें और शेख हसीना के ढाका छोड़ने के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया था, तमाम वो चीजें जो किसी भी तरह से असर डाल सकती हैं या उसका कोई असर हो सकता है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि उन सब पर बैन लगा दिया गया था। अगले आदेश तक ट्रेनें हो कुछ भी उस पर रोक लगा दी गई है। ये पीएम आवास के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग वहां पर आराम फरमा रहे हैं, आप देखिए वहां पर बैठकर, और लूट वहां पर मच जाती है, वहां पर कोई खाने पीने का सामान हो या फिर वहां पर कपड़े तक लूट लिए जाते हैं। अब आप ये सोचिए कि शेख हसीना की वहां पर साड़ी थी वो भी वहां पर उठाकर चलते बन रहे हैं लोग, कि किस तरह की स्थिति हो गई थी वहां पर। ये अराजकता का एक माहौल यहां पर नजर आया, ये एक लॉ एंड ऑर्डर जो एक बड़ा चैलेंज है। सड़कों पर देखें तो लोग उतरे हुए हैं, ये पीएम हाउस के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां क्या स्थिति उस वक्त वहां पर हो जाती है। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि आरक्षण को लेकर ये पूरी आग धधकी थी, आरक्षण की वो मांग थी, लेकिन वो कहां तक आग आ पहुंचती है धधकते धधकते, किस तरह का गुस्सा जो है वो शेख हसीना के खिलाफ नजर आया। लेकिन वो आर्मी जिसने कंट्रोल किया है उसके बाद भी ये इस तरह के हालात जो आप यहां पर देख रहे हैं, तो क्या वो आर्मी इस जनता का, इस आवाम का वो विश्वास जीत पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर है। उनका संबोधन जब हुआ तमाम बातें उन्होंने यहां पर कही, अब एक यहां पर विषय ये भी है कि आगे क्या, और एक चुनी हुई सरकार को इस तरह से बेदखल कर दिया जाना, कई सारे ऐसे सवाल हैं, कई ऐसे उसके बाद पॉइंट्स हैं जो आकर यहाँ पर खड़े होते हैं। जब हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे हम इस पर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शेख हसीना की अगर हम बात करें तो शेख हसीना भारत के लिए उस हिसाब से, क्योंकि हमेशा से ही उन्होंने भारत के साथ संबंधों को अच्छा करना चाहा, अच्छा रखना चाहा, लेकिन अब अगर वहाँ पर कुछ बदलाव होते हैं तो भारत की निगाह से अगर हम देखें तो वो किस तरह
के होंगे ये देखने वाली यहां पर बात होगी। लेकिन आइए कुछ और जानकारी यहां पर फटाफट से हम आपको दे देते हैं कि किस तरह से दरअसल सेना ने ये तख्ता पलट किया, क्या कुछ हुआ बांग्लादेश में। बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष का ऐलान 48 घंटे में, जी हां 48 घंटे में, 24 से 48 घंटे में अंतरिम सरकार बनाएंगे। ये एक आर्मी चीफ वहां पर आकर कहते हैं, आर्मी चीफ के नेतृत्व में बनेगी सरकार, राष्ट्रपति से मुलाकात कर दावा पेश करेंगे, ये उन्होंने कहा। बांग्लादेश में सेना शांति बहाल करेगी, हिंसा से देश का नुकसान हो रहा है, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, देश सुचारू रूप से चलाएगी सेना, हिंसाग्रस्त जो भी इलाके हैं उनमें सेना की तैनाती है और सेना की तैनाती होगी जो भी इस तरह के संवेदनशील इलाके हैं। लेकिन क्या वाकई सेना इस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकती थी? क्या वाकई इतने ज्यादा हालात ये बिगड़ गए थे इस तरह से कि ये कंट्रोल नहीं हो सकते थे? क्या इसको आखिर देखा जाए, ये देखने वाली बात है। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि किसी भी वक्त, अब देखिए जो जानकारी मिल रही है कि किसी भी वक्त अब शेख हसीना दिल्ली पहुंच सकती हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। कुछ ही देर में उनका विमान यहां दिल्ली लैंड करेगा, ये जानकारी मिल रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ देर रुकेंगी हसीना, फिर उसके बाद माना जा रहा है कि उनका वहां से वो लंदन रवाना होंगी। ये देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ यहां रहता है। लगातार उनकी लोकेशन जो है वो ट्रैक की जा रही है। कुछ देर पहले ये बताया जा रहा था कि लखनऊ के ऊपर से उनका विमान जो है वो गुजरा था। दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ देर रुकेंगी ये बताया जा रहा है शेख हसीना। हसीना ने भारत से राजनीतिक शरण नहीं मांगी है, तो ये इस वक्त हम आपको यहां पर तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं, दरअसल जब शेख हसीना ने ढाका छोड़ा था। और ये वो वक्त था जब वो भाषण रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन ये भाषण पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था और ये भाषण उनको बीच में ही छोड़ उन्हें जाना पड़ा ढाका को छोड़कर। अब आइए कुछ और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जानकारी देते हैं कि क्या कुछ हुआ पिछले कुछ दिनों में या फिर अब आगे क्या स्थिति बनती हुई यहां पर नजर आ रही है। देखिए बांग्लादेश की अगर सेना की हम यहां पर बात करें, क्योंकि अब यहां पर उसका शासन जिस तरह से दिखाई दे रहा है, जिस तरह से जो सेना अध्यक्ष हैं वो सामने आते हैं और ये कहते हैं कि हम अब वहां पर सरकार बनाएंगे, वो अंतरिम सरकार जो है वो हम अब यहां पर बनाएंगे, राष्ट्रपति से मिलकर दावा पेश करेंगे। बांग्लादेश की सेना 37वीं सबसे शक्तिशाली सेना है। जी हां, तो बांग्लादेश की सेना जिसका पावर इंडेक्स स्कोर 0.587 है, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या ताकत रखती है दरअसल उसकी सेना। इस सेना में लगभग 1,75,000 सक्रिय सैनिक हैं, 281 टैंक्स हैं, 13,100 जो बख्तरबंद वाहन हैं वो हैं, साथ ही साथ 30 स्वचालित तोपखाने, 370 अगर मैं यहां पर बात करूं तो आर्टिलरी, 70 रॉकेट आर्टिलरी, ये उसकी सेना के पास है। बांग्लादेश नौसेना के लगभग 30,000 सदस्य इसमें शामिल हैं, ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो इतनी ताकतवर अगर वो सेना, तो क्या वो उस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकती थी? दक्षिण एशिया की तीसरी बड़ी सेना, अगर हम उसकी सेना की यहां पर बात करें, और दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट भी उसका है, रक्षा पर सालाना $3.8 बिलियन खर्च वो करता है अपनी सेना पर। तो ये आप ये देखिए, ये रक्षा बजट है जो हम यहां पर आपको बता रहे हैं।